Hello students, welcome to e-learning classes. So today we are going to discuss a very important chapter, that is body movements. So let us start. So body movements है क्या? Body means आपका शरीर, movements मतलब एक तरीके से आपका गति करना, ठीक है? तो body है जो हमारी, जो हमारा शरीर होता है, जो हमारी बॉडी है, वो किस तरीके से मूवमेंट करती है, क्या उसके अंदर मूवमेंट्स होते हैं, किस की वजह से वो मूवमेंट करती है, ठीक है? तो इस सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो बहुत सारी आपकी बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना है, ठीक है? अब देखो ये बोन्स क्या होती हैं, कार्टिलेज क्या होती हैं, क्या इनका रोल है, ठीक है? तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आता है कि जो ये बोन्स हैं और जो ये कार्टिलेज हैं, ये क्या बनाते हैं? एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, यानी एक एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या देता है? एक बॉडी की, एक ह्यूमन बॉडी की शेप देता है, ठीक है? अब क्या होता है, जो ये आपका शेप है, जो ये स्ट्रक्चर मिलती है, इसी को क्या कहते हैं? ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं. अब एक चीज़ आती है कि ये जो आपके जो ये बोन्स हैं, जो ये कार्टिलेज हैं, इस तरीके का शेप स्ट्रक्चर है, ये किस में हेल्प करता है? ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है. और क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मतलब एक तरीके से जो ह्यूमन स्केलेटन है, वो क्या करेगा? वो ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करता है. दूसरा है कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करता है? उनको प्रोटेक्शन देता है. तो ये है आपका, मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग कहाँ से हुई है हमारा, मतलब एक तरीके से हमारा चैप्टर का बेस क्या है. मींस जो हमारा, एक तरीके से जो हमारा ये चैप्टर है वो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में है, ठीक है? अब ह्यूमन स्केलेटन में क्या आता है, हमारी दो मेन चीज़ें आएंगी इसमें, बोन्स आएंगी और कार्टिलेज आएंगे, ठीक है? अब बोन्स क्या होती हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कार्टिलेज क्या होते हैं. बाकी सबसे पहले ये है कि जो ये बोन है और जो कार्टिलेज है, इनसे मिलकर हमारा ह्यूमन स्केलेटन बनता है. और जो ये स्केलेटन है, ये क्या है? एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है बॉडी को. दूसरा है कि ये क्या करता है, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है. और दूसरा है कि ये हमारा क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है, राइट? तो ये है हमारा ह्यूमन स्केलेटन. उसके बाद आई थी इसमें दो चीज़ें आई हैं कि वॉट आर बोन्स एंड वॉट आर कार्टिलेज, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा बोन्स. बोन्स क्या होती हैं? बोन्स आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. और इसी से क्या होता है, एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से बेस का काम करती हैं, ठीक है? आप जैसे आप अपने हैंड को पकड़ के देखो, टाइटली उसको पकड़ो, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, बहुत एक हार्ड सा एक चीज़ आपको फील हो रही होगी. तो जो वो हार्ड पार्ट है, जो वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बोन्स, ठीक? उसके बाद आता है, नेक्स्ट आते हैं आपके कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होते हैं? ये भी एक बोन का एक टाइप होता है. ये क्या होता है, बट जैसे आपका बोन होती है, दे आर वेरी हार्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट? बट आपके जो कार्टिलेज होते हैं, दे आर नॉट एज हार्ड एज द बोन. वो बोन की तरह हार्ड नहीं होते. बट जो आपका जो ईयर है, ईयर का जो नीचे वाला, आपने अपने कान को टच करो, ठीक है? और उस आपने ईयर को जब आप टच करोगे, तो एक तो उसका नीचे की तरफ एक पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड ईयर लोब, ठीक है? और एक उसका ऊपर वाला पार्ट है. तो आप जब नीचे वाले पार्ट को टच करके देखोगे, ईयर लोब को टच करके देखोगे, तो वो क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है फील करने में, ठीक है? अब आप ऊपर वाले पार्ट को टच करके देखो, तो जब आप ऊपर वाले पार्ट को टच करोगे, तो आप ये देखोगे कि ये क्या है, ये ईयर लोब के बराबर तो जितना सॉफ्ट नहीं है, ठीक है? बट ये बोन की बराबर भी हार्ड नहीं है. तो जो ये ऐसा मिडिल पार्ट होता है, जो ना तो बोन के बराबर हार्ड हो और ईयर लोब के बराबर सॉफ्ट ना हो, तो जो ये ऐसा मीडियम सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है? तो बोन का ही एक टाइप है, विच इज़ वेरी सॉफ्ट टू फील. और ये क्या होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, कार्टिलेज होते हैं आपके, मीन स्ट्रेचेबल होते हैं. जबकि आपकी जो बोन्स होती हैं, दे आर नॉट स्ट्रेचेबल एंड दे आर नॉट इलास्टिक इन नेचर, राइट? मीन्स उनको खींच नहीं सकते आप, ठीक है? तो ये हैं आपके बोन्स हैं और ये आपके कार्टिलेज हैं. उसके बाद आपका आता है कि जो बोन्स हैं आपकी, अब जो बोन्स हैं, जैसे आपका पूरा हैंड है, अब ये देखो कि आपका जैसे हैंड को आप टच करते हो, तो जैसे आप रिस्ट से और आप एल्बो तक जाते हो, तो एक आपको पूरा एक हार्ड पार्ट मिलता है. उसके बाद क्या है, एल्बो के
के पास से आपका जो हैंड है वो बेंड हो सकता है, ठीक है, फिर उससे आगे फिर एक मोटा हार्ड पार्ट आपको फील होता है, ऐसे ऐसे करके आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होती हैं एंड दे आर अटैच बाय द डिफरेंट मैनर्स, राइट। तो यही क्या होते हैं, ये जो बोन्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हैं, क्या उन क्या चीज़ होती है जिसके थ्रू वो अटैच होते हैं, तो उस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब इससे आगे जो नेक्स्ट हम आने वाली है दैट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, एंड जॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, राइट। अब जॉइंट क्या होते हैं, आपका जॉइंट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे टू और मोर बोन्स मेट टुगेदर, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपकी टू और मोर देन टू जो बोन्स होती हैं दे मीट टुगेदर, मींस वो आपस में मिलती हैं, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपकी मिलेंगी, उस प्लेस को, उस स्थान को क्या कहेंगे, जोड़ कहेंगे या जॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब जो जॉइंट होते हैं, अब जॉइंट कितने टाइप के होते हैं आपके, जॉइंट टू टाइप के होते हैं मेनली। वैसे आपका जॉइंट जो होते हैं, वैसे बहुत सारे टाइप के आपके जॉइंट होते हैं, बट यहाँ पे जो आपका मेन अगर देखा जाए या आपके अगर सिलेबस के आपका लेवल के हिसाब से देखा जाए तो जॉइंट के हम टू टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिक्स जॉइंट और आपका आपका मूवेबल जॉइंट, यानी इमूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट, राइट। जैसा उसका नेम इंडिकेट कर रहा है, मूवेबल जो मूव कर सकता है, इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जॉइंट आर मेनी टाइप डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट का नेचर किस तरीके का है एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, कि वो मूवमेंट किस तरीके की, कौन सी डायरेक्शन में वो कर सकता है, उसके बेसिस पे आपके जो जॉइंट्स होते हैं दे आर ऑफ मेनी टाइप्स, बट बेसिकली जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप, कि जो जॉइंट्स होते हैं मेनली टू टाइप के होते हैं, देट आर मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट, राइट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो मूवेबल जॉइंट है और इमूवेबल जॉइंट है। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं आपके और इमूवेबल जॉइंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका इमूवेबल जॉइंट, यानी फिक्स जो जॉइंट होते हैं, तो फिक्स जो जॉइंट होते हैं दैट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, कि जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर जो बोन्स होती हैं दे आर फिक्स, वो कैसी होती हैं, फिक्स होती हैं, और इस तरीके के जो जॉइंट होते हैं वो क्या है, वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट को शो नहीं करते हैं, यानी बोन्स उसमें बिल्कुल एक फिक्स लिगामेंट्स के थ्रू, एक फिक्स कॉर्ड्स के थ्रू एक जुड़ी हुई होती हैं, तो हमारी जो बोन्स है वो मूव नहीं कर सकती हैं, जो इस तरीके के जो जॉइंट बनते हैं इस तरीके की बोन्स से, यानी वो जो जॉइंट बनता है दैट इज़ फिक्स जॉइंट, ठीक है। जैसे आपका जो स्कल की स्कल में जो जॉइंट होते हैं, आप एक बार हिला के देखो, अपनी जो स्कल है उसको आप नहीं हिला सकते हो, आपका जो अपर जॉ है दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इमूवेबल जॉइंट, या यू कैन से दैट कि दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द इमूवेबल जॉइंट, राइट। फिर आता है आपका मूवेबल जॉइंट। अब मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं, कि वो जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, कि वो जॉइंट जो आपका मूवमेंट अलाउ करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करे, या ज़रूरी नहीं है कि वो टू डायरेक्शंस में कर रहा हो, या ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि वो वन ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट अलाउ कर रहा हो, बट वो मूवमेंट अलाउ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो जॉइंट है वो हर डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करे, लेकिन जो मूवेबल जॉइंट होते हैं वो किसी ना किसी डायरेक्शन में आपका मूव करेंगे, तो इस तरीके के जो जॉइंट होते हैं दैट आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट, ठीक है। तो आपका जो मूवेबल जॉइंट है वो क्या होते हैं, द जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मूवेबल जॉइंट। आपके यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मूवेबल जॉइंट हैं उनके थ्री टाइप यहाँ दिख हैं आपका, सबसे फर्स्ट में जो है जो हिंग जॉइंट, दैट इज़, सेकंड इज़ बाल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड थर्ड इज़ पिवोटल जॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है हिंग जॉइंट, और सेकंड आता है आपका बाल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड थर्ड जॉइंट आता है आपका पिवोट जॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाल एंड सॉकेट जॉइंट को। तो बाल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है, इस जॉइंट के अंदर क्या होता है कि एक तो आपका राउंडेड एंड होता है, एक बोन का तो राउंड एंड, सेकंड बोन का क्या होता है, और जो आपकी सेकंड जो बोन होती है वो उसके, यानी इसमें होता क्या है, इन दिस जॉइंट द राउंड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, कि एक बोन का राउंड एंड होता है, सेकंड बोन जो होती है उसके हॉलो स्पेस के अंदर, जो राउंड एंड है उसके हॉलो स्पेस के अंदर फिक्स हो जाती है, और इस तरीके के जो जॉइंट होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में आपका मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे आपकी आर्म होती है जहाँ पे आपका जो शोल्डर है और वो ख़त्म होता है, और जो आपकी बाजू है यहाँ से जा रही है, तो जो ये आपका जो
आपका सोल्जर के पास जो ये जॉइंट होता है ना, ऐसे ही आपका लेग में होता है, ठीक है। तो जो ये जॉइंट होते हैं दैट अलाउ द मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो बाल सॉकेट जॉइंट क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, एक राउंड एंड जो होता है, एक वन बोन का, एक बोन का राउंड एंड दूसरी बोन के हॉलो स्पेस के अंदर फिक्स हो जाए, उस जॉइंट को क्या कहते हैं, बाल और सॉकेट जॉइंट। सेकंड आता है आपका हिंग जॉइंट। अब हिंग जॉइंट क्या होते हैं कि वो जॉइंट जो क्या है आपका केवल एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करें। हिंग्स का मतलब क्या होता है, कब्जे, जैसे आपका गेट होता है, डोर होता है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जैसे एल्बो है, आपका जो नी है, वो क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हिंग जॉइंट, ठीक है। तो जो जॉइंट हिंग जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, अ जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज हिंग जॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके हैं जैसे जॉइंट ऑफ नी, जॉइंट्स ऑफ एल्बो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हिंग जॉइंट। या फिंगर्स में जो जॉइंट होते हैं वो भी क्या है, आपके हिंग जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड पे आता है आपका पिवोटल जॉइंट। पिवोट जॉइंट को हम कल करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बट पिवोटल जॉइंट को हम एक बार देख लेते हैं कि पिवोटल जॉइंट क्या होता है, आपका जो नेक के अंदर होता है, यानी जहाँ पे आपका नेक है जो वो हेड के साथ में अटैच है जिस जॉइंट के थ्रू, दैट जॉइंट इज कॉल्ड पिवोट जॉइंट, राइट। तो ये थे आपके जॉइंट्स के टाइप। उसके बाद एक बार ह्यूमन स्केलेटन को देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, बाकी एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका ये ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें स्किन नहीं है, बाकी आपका जो अगर अंदर से स्ट्रक्चर देखा जाए तो ह्यूमन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे पहले क्या है, मेरे मेन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर स्कल है आपकी, ये क्या है, स्कल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये होता है आपका पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट क्या होता है, ये वाला, इसमें क्या होता है आपका, आपका नेक है जो वो किसके साथ जॉइंट है, हेड के साथ में, तो ये कौन सा है, पिवोटल जॉइंट। ये क्या है आपका, बाल और सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब ये क्या है आपका, हिंग जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी इनमें हिंग जॉइंट्स हैं, ये आपकी रिस्ट हो गई, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये आपका रिब केस, ठीक है, इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे, वैसे थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये आपका पेल्विस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी आपका बाल सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है आपका, हिंग जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये आपका क्या होगा, ये भी आपका हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके क्या हैं, कुछ एक जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, और इसको हम कल भी करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से एक बार इसका डायग्राम नोटबुक के अंदर बनाना है, एंड ओके।